हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अभी हम बात करेंगे यस बैंक की। आपको मालूम है, जिसकी मैं पिछले लगभग 20-25 दिनों से बात कर रहा था। 30 अप्रैल आज है वो जजमेंट डे का दिन, जो 30 अप्रैल का दिन आ चुका है। आज के दिन मालूम होगा कि क्या होने वाला है आपको, क्योंकि अगर आप यस बैंक के इन्वेस्टर हैं और ये मेरे वीडियोज को ट्रैक करते हैं या फर्स्ट टाइम भी आए हुए हैं, तो कम से कम अगर आप इन्वेस्टर यस बैंक के हैं, इतना तो मालूम होगा कि इनका आज कौन सा दिन है। 30 अप्रैल इनका आज Q4 का रिजल्ट आने वाला है। तो दोस्तों, आज वो जजमेंट डे, आज न्याय का दिन है। न्याय होगा हम जैसे इन्वेस्टर के साथ जो पिछले कुछ दिनों से बने हुए हैं, आप जैसे लोगों के साथ जो पिछले इसमें बने हुए हैं, चाहे शॉर्ट टर्म के लिए चाहे ऊपर के लेवल पे। तो हम डिटेल में देखेंगे क्या कुछ हो सकता है आज शाम को। तो सबसे पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन क्लिक कीजिए, जिससे इस तरह की आपको अच्छी वीडियो मिलती रहे। तो दोस्तों, हम थोड़ा सा ये देखने की कोशिश करेंगे कि किस तरह का रिजल्ट आने के चांसेस हैं। इनके पिछले कुछ डेटा पे जाएंगे, वहां से हम थोड़ा इम्प्रेसाइज करेंगे और फिर हम एक लॉजिकली गेस करने की कोशिश करेंगे कि इस तरह का डेटा आ सकता है और उस तरह की एक्सपेक्टेशन हम रख सकते हैं अलग अलग फ्रंट पे, चाहे वो रिकवरी के फ्रंट पे हो, चाहे वो नेट इंटरेस्ट इनकम के फ्रंट पे हो, चाहे वो थोड़ा बड़ा डिविडेंड के दम पे भी हो। क्या डिविडेंड हमको थोड़ा मिल सकता है, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नहीं? तो दोस्तों, हम सीधा सीधा चलते हैं अपने पहले टॉपिक की ओर। तो दोस्तों, ये चीज है, आप घबराइएगा मत। ये 22 जनवरी 2021 का एक नोटिफिकेशन है यस बैंक का, जो पिछले क्वार्टर का ये रिजल्ट है। सो हम पिछले क्वार्टर के रिजल्ट से देखने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से फ्रंट पे कितना कितना रिकवरी हो सकती है और ये वैल्यू कितनी हो सकती है इस क्वार्टर में, क्योंकि ठीक 3 महीने पहले का ये डेटा है और आज जो है ये नई शीट शाम को अपडेट होने वाली है। सो हम सबसे पहले चलेंगे इंटरेस्ट अर्न। सो दोस्तों, पिछले क्वार्टर में इन्होंने कितना बोला था, 5321 करोड़। इतना जो है इन्होंने दिसंबर 12, ये कुछ डेटा में कंफ्यूज मत होइएगा, इसको मैं आपको कोलिबरेट करके बता रहा हूँ। ये 53,200 लिखा हुआ है, लेकिन अगर करोड़ में कन्वर्ट करेंगे तो ये 5321 करके आएगा। अब 31 दिसंबर को इन्होंने जो है टोटल इंटरेस्ट अर्न किए थे 5321। अब जो है मैं यहाँ पे एक कॉलम लगा रहा हूँ, मार्च 21। तो ये डेटा यहाँ पे मार्च में कितना हो सकता है, ये यहाँ पे था 5321। दोस्तों, आपको मालूम होगा कि पिछले क्वार्टर में भी, इसके लिए मैं एक आपको विजन दूंगा कि ये डेटा कितना हो सकता है, राइट? तो हम यहाँ पे आएंगे। ये चीज क्या है, ये चीज है कि 1 अप्रैल को इन्होंने बोला हुआ था कि ये देखिए, इन्फॉर्म किया हुआ था 5 अप्रैल को कि इनका इस क्वार्टर में कौन कौन से लोन डिपॉजिट कितने कितने इंक्रीज किए हुए हैं। तो इससे हम गेस करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे ये डेटा कितना आ सकता है, राइट? तो देखिए, लोन्स एंड एडवांसेज इन्होंने जो है क्वार्टर एंड क्वार्टर कितने बांटे हैं, 1.8% जो है मार्च में लगभग 8% की जंप देखी गई है। लगभग 7,828 करोड़ रुपए का इन्होंने जो है लोन बांटा हुआ है मार्च क्वार्टर में, मीन्स 1 जनवरी से 30 मार्च के बीच में। लगभग इतना ही जो है पिछले क्वार्टर में भी इन्होंने जो है लोन बांटा हुआ था, राइट? ये देखिए, 7,470 करोड़ पहले में और इधर थोड़ा सा इतना, तो टोटल कितना हो गया, 7,411, लगभग 12,000 करोड़ रुपए का लोन अगर हम देखें तो दिसंबर क्वार्टर में, मार्च क्वार्टर में बच चुका है। तो इसका जो है इंटरेस्ट कुछ तो कुछ आएगा, जब 7,800 करोड़ रुपए का लोन बटा था तब जो है। एक चीज देखिएगा कि यहाँ पे नेट इंटरेस्ट इनकम जो है, यहाँ पे ये देखिए ये वाला डाटा 5,300 कुछ करोड़ था, अभी यहाँ पे ये जो है 7,428 करोड़, ये इसका भी इंटरेस्ट आएगा, इसका तो आ ही रहा है। तो लगभग यहाँ पे आप ये डेटा कम से कम 5,332 करोड़ का है, यहाँ पे हम लगभग 7,000 करोड़ के आसपास एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इतना इंटरेस्ट आया होगा, राइट? अब नीचे चलते हैं, प्रोविजंस। प्रोविजंस इन्होंने, बिफोर प्रोविजंस एंड कंटिजेंसीज, इनका जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट था कितना, 2,285 करोड़ का। तो यहाँ पे ये प्रॉफिट थोड़ा ऑपरेशनल प्रॉफिट जो है, क्योंकि इंटरेस्ट इनकम भी बढ़ा है, तो ये जो है प्रॉफिट 2,288 2,000
500 करोड़ रुपए का हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, राइट। अब यहाँ पे नेट प्रॉफिट आफ्टर एक्टिविटीज आफ्टर टैक्स जो है ये 1,507 करोड़ प्रोविजन निकाल के, राइट। तो यहाँ पे हम ये चीज जो है 2,000 करोड़ रुपए एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्यों आपको मालूम होगा, क्योंकि इतना लोन जो है ये इस क्वार्टर में भी बटा है, इसका भी इंटरेस्ट तो आएगा ही, तो कहीं ना कहीं वो ऑपरेशन में इन्फेक्ट करेगा, प्रॉफिटेबिलिटी तो बढ़ाएगा ही। तो यहाँ पे हम जो है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यहाँ पे ये कर सकते हैं 1,507 करोड़ था, यहाँ पे 2,000 करोड़ या 2,500 करोड़ रुपए एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो पैट आपको हो गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2.5 करोड़, 2,500 करोड़, राइट। अब सीधा हम ग्रॉस एनपीए पे आ जाते हैं। दोस्तों ग्रॉस एनपीए का फिगर ये वाला डिस्कस करने से पहले हम सीधा एक डेटा आपको दिखाते हैं। ये देखिए, हाउ मच टॉप डिफॉल्टर्स इंक्लूडिंग अनिल अंबानी, एसएलओ, यस बैंक। ये चीज हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, किसका कितना जो है बकाया पैसा है और कितनी रिकवरी आ सकती है। ये देखिए रिलायंस एडीएजी, राइट। रिलायंस एडीएजी का जो है 12,800 करोड़ रुपए ये दबा के बैठे हुए हैं। एसएल ग्रुप 8,400 करोड़, डीएचएफएल 4,375 करोड़, आईएलएफएस 2,500 करोड़। तो आईएलएफएस ने अभी कुछ दिन पहले एक न्यूज आई थी आईएलएफएस की कि उनके पास कुछ पेमेंट आए हुए हैं 1,000 करोड़ के आसपास। उन्होंने बोला हुआ था कि ये जो है जितने भी इनके क्रेडिटर्स हैं जिन्होंने पैसा दिए हैं उनको जो पैसा मिलेगा। 2,500 करोड़ में अगर हम रिकवरी मान लें कि 500 करोड़ रुपए भी यस बैंक को आया है, ये रिकवरी नंबर वन हो गई, राइट। अब केलकर ग्रुप 1,000 करोड़, ओमकार रियल्टर्स 2,700 करोड़। ओमकार रियल्टर्स, क्या आपको दोस्तों मालूम होगा कि ईडी और सीबीआई का ईडी का छापा वापा पड़ा था, इनको अरेस्ट वगैरह किया गया था, तो अभी बेल पे हैं कि क्या है कैसे मालूम नहीं है। तो हो सकता है कि ईडी का कुछ प्रेशर पड़ा हो इनपे ऊपर, कुछ पैसा यहाँ से मिला हो 2,710 करोड़ में। सब कुछ कीजिए कि 500 करोड़ यहाँ से भी रिकवरी हुई हो। सीजी पावर रेडियस डेवलपर, तो इतना तो हो सकता है जो थोड़ा मीडिया में लीक है, ये आईएलएफएस वाला और ये वाला 5,500 करोड़ प्लस 500 करोड़, 1,000 करोड़। उसके बाद एडीएजी ग्रुप, एसएल ग्रुप, डीएचएफएल, यहाँ से अगर मिला के जो अभी तक मीडिया में लीक नहीं हुआ है, मान लीजिए कि यहाँ से कुछ 500 करोड़ रुपए का रिकवरी और हो जाती है, राइट। एक्सक्यूज मी, तो टोटल रिकवरी कितनी हो गई, 500, 500, 500 इनका हो गया आईएलएफएस का, 500 इनका हो गया रेडियस ओमकार डेवलपर का, और 500 अलग लोगों का, 1,500 करोड़ रुपए की रिकवरी आ गई, राइट। अब हम चल देंगे इस वाले डेटा में जहां हम गेल कर रहे थे। ग्रॉस एनपीए, एनपीए, एनपीए जब इतनी रिकवरी होगी, थोड़ा मोड़ा कहीं ना कहीं जो है ग्रॉस में डिक्रीमेंट आएगा ही, तो ये परसेंट जो है 15.36% था। इसमें थोड़ा कोविड रिलेटेड भी जोड़ देते हैं, तो कम से कम दोनों गुणा भाग करके कुछ 15 के नीचे, 15 अभी भी है, कुछ 14 के नीचे आना चाहिए, ठीक है, 14% के नीचे। और यहाँ से हमने प्रॉफिट कितना डिक्लेयर किया था अभी तक, यहाँ ऊपर से कुछ मैंने बताया था कि 1,000 करोड़ रुपए का जो है प्रॉफिट यहाँ पे जनरल ऑपरेशन से निकल के आ रहा है आफ्टर जो है प्रोविजनिंग और टैक्स। और रिकवरी कितनी हो गई, अभी मैंने आपको दिखाया रिकवरी का डेटा यहाँ से, ये वाली रिकवरी, तो 1,000 करोड़ ऑपरेशन से हो गया प्रॉफिट, और रिकवरी से 1,500 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हो गया। 2,500 करोड़ रुपए का प्रॉफिट जो है यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, राइट। अब इसमें थोड़ा सा एक इरर, मार्जिन ऑफ इरर जैसे बोलते हैं ना, मेरे कैलकुलेशन में इरर हो, समझने में इरर हो, तो सोच लीजिए कि यहाँ पे सपोज 1,000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट जो ऑपरेशन से हम लोगों ने कैलकुलेट किया, यहाँ पे सपोज कीजिए कि ये वाला डेटा 700 करोड़ रुपए का आ रहा है, ठीक है, और मान लो कि रिकवरी 1,500 ना होके फिर भी 1,000 करोड़ की रिकवरी आ रही है, तो 1,000 करोड़ प्लस 700 करोड़, 1,700 करोड़ रुपए का प्रॉफिट जो है हमको साफ साफ देखने को मिल रहा है, राइट। 1,700 करोड़ रुपए का प्रॉफिट दोस्तों अगर हमको देखने को मिल रहा है, तो ईपीएस कितना हो जाएगा, ईपीएस अभी कुछ निगेटिव में है और हल्का सा 0.02 के आसपास है, ये ईपीएस थोड़ा बढ़ेगा, इनकी बुक वैल्यू अभी भी 14.8 के आसपास है, और 1,700 करोड़ रुपए का प्रॉफिट आ जाएगा, ये बुक वैल्यू करीबन 16-17 रुपए के अराउंड आ जाएगी। और चूंकि ये प्रॉफिट
एक किक मारेगा तो ये जो है शेयर आपको सीधा, मेरे ख्याल से ऐसा मेरा मानना है कि 25 रुपए से 26-27 रुपए के आसपास जो है 3-4 दिनों में ट्रेड करना चाहिए। सो आफ्टर Q4 रिजल्ट 700 करोड़ प्रॉफिट, बुक वैल्यू 17 रुपीज हो जाएगी और शेयर प्राइस हो जाएगा कितना, 25 से 27 रुपए के बीच में ट्रेड करना चाहिए विद इन 4-5 डेज। तो दोस्तों ये थी मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से, मैंने दो तरह की शीट लगाई हुई, पिछले क्वार्टर का रिजल्ट वाली शीट थी और एक ये वाला शीट थी जो इन्होंने जो है लोन एडवांसेस बांटे हुए हैं इस क्वार्टर में। दोनों शीट से मैंने कैलकुलेट करने की कोशिश की कि यहाँ पे 1700 करोड़ रुपए का प्रॉफिट आएगा। मेन प्रॉफिट तो अभी शाम को आएगा 6-7 घंटे बाद, तो हम लोग एग्जैक्ट मैं आपको अपडेट करने की कोशिश करूंगा। एक चीज और देख लेते हैं, अब देखिए कल के सेशन में ये क्लोजिंग हुई थी 14 रुपए 55 पैसे की, प्रीवियस क्लोज था 14.80 का, ओपन हुआ 14.95, थोड़ा सा डाउन था कल के सेशन में। बाइंग क्वांटिटी लगी हुई है 14.50 पे, 2,42,000 क्वांटिटी की, राइट। 13 करोड़ का जो है क्वांटिटी वॉल्यूम था और 4 करोड़ जो है डिलीवरी उठी है, 33% की डिलीवरी इसमें उठी है, 33% डिलीवरी। अब आज के सेशन में फ्रेंड्स देखेंगे कि इसमें किस तरह की हलचल होने वाली है। तो दोस्तों आज है जजमेंट डे, न्याय का दिन होने वाला है हम लोगों के लिए। दूसरी चीज, शाम को हम देखेंगे, फिर से अपडेट करूंगा सेम डेटा के साथ, लेकिन वो अपडेटेड शीट होगी, ये वाली शीट की जगह ये 1-3 महीने पहले की है, लेकिन ये अपडेटेड शीट होगी। अब यहाँ पे एग्जैक्ट जो है हम लोगों ने 1700 करोड़ रुपए का प्रॉफिट जो है अभी एक्सपेक्ट किया है, वो क्या 1700 करोड़ आता है कि कितना आता है। फिर शेयर प्राइस, चूंकि मार्केट क्लोजिंग होने के बाद ही शेयर जो है रिजल्ट आएगा, तो हम जो है मंडे को एक प्राइस मूवमेंट पे जो है असर देखने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और प्लीज वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और किसी तरह का इम्प्रूवमेंट कोई वो हो तो आप मुझे बताइएगा, वैसे मैं शाम को अपडेट करने की कोशिश करूंगा। दोस्तों विश यू ऑल द बेस्ट, आप सबका पैसा रिकवरी हो, और जितना पैसा किसी का प्रॉफिट में अगर नहीं भी है तो उनको प्रॉफिट मिलने की कोशिश करे, ये मेरी आशा है आप सबके साथ। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू, गुड बाय।